नमस्कार, गुरु मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशी बख्शे दाता। अचानक परेशानियों का पहाड़ टूट गया है, बनते हुए काम, चलता हुआ व्यापार और अच्छी खासी नौकरी में संकट आ गए हैं। परिवार से कलह जाने का नाम ही नहीं ले रही है। बीमारियों पर लगातार खर्चा हो रहा है। अगर ऐसी कोई भी परेशानी है तो संभव है कि ये आपकी कुंडली का दोष है। जी हाँ, अगर आपकी कुंडली शापित है तो आप परेशानियों से घिरते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आज गुरुदेव से शापित कुंडली के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के विषय आप जान लीजिए। आज आपको पता चलेगा आपकी कुंडली शापित है या नहीं, शापित कुंडली के लक्षण और उपाय जानेंगे, शापित कुंडली का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, कहीं आपके दुख की वजह आपकी शापित कुंडली तो नहीं, पूर्वजों के कर्मों और पुनर्जन्म का कुंडली पर क्या असर होता है। गुरुदेव, शापित कुंडली की आज हम बात कर रहे हैं। शापित कुंडली सुनते ही लोग डर जाते हैं और तरह तरह के उपाय करने लगते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि शापित कुंडली होती क्या है और अगर ये हमारी कुंडली शापित है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, आम आदमी कैसे पहचान सकता है कि उसकी कुंडली शापित है। बेटा, ये बड़ा एक अलग सा कॉन्सेप्ट है जो पूरा टेक्निकल है, लेकिन इसको सिंपल भाषा में मैं समझा देता हूँ। और वो है, जन्म कुंडली का जो दसवां घर होता है वो कामकाज के लिए बनता है, और दसवां घर और छठा घर ये दोनों ही अलर्ट हो और आपस में मिले हुए हो तो इंसान नौकरी पे बहुत अच्छा जाता है। और जन्म कुंडली का दसवां घर, ग्यारहवां घर और साथ में दूसरा घर बहुत ही अच्छे लगे हुए हो, आपस में जुड़े हुए हो, तो ये बिजनेस के अंदर इंसान को बहुत अच्छी तरक्की दिलाते हैं। ठीक है, जब इन दोनों ही हालातों में से कोई भी हालात अच्छे ना बन रहे हो और दसवां घर किसी भी रूप में आपस में जो दुश्मन ग्रह है, जैसे बुध बृहस्पति, चंद्र केतु, ठीक है, चंद्र शनि, समझे, या सूर्य शनि या सूर्य शुक्र, इनमें से किसी का भी संबंध जब जन्म कुंडली के दसवें घर के साथ बन जाता है तो कामकाज के टोटली खराब के योग होते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं, चाहे कोई शापित कुंडली बोलता है, कोई इसे अंधी कुंडली बोलता है, समझे। और ऐसी अवस्था के अंदर फिर एक योग पैदा होता है कि सरकार के दरबार में भीख का कटोरा लिए इंसान खड़ा ही रहेगा कि काम दे दो, काम दे दो, समझे। यानी कि ऐसा इंसान चाहे कितना भी पढ़ा लिखा, कितना भी काबिल हो और कितनी भी रोज मेहनत करके काम पाने की कोशिश करे, बेटा उसका कामकाज कभी नहीं चलता। वो नौकरी करे तो उसमें फेल, उसको नौकरी नहीं मिलती, और अगर वो कोई धंधा करना चाहे तो वो उसमें अंदर फेल। तो बेटा, इसीलिए ये जो दसवें घर का खराबपन या छठे घर का खराबपन सिर्फ नौकरी के लिए और दसवें घर का खराबपन नौकरी और बिजनेस दोनों के लिए बहुत ही खराब अवस्थाएं पैदा करता है, इसी को शापित कुंडली का संज्ञा दी गई है। और ये जो शापित कुंडली होती है बेटा, इसके जो लक्षण हैं, जो इसके नजर आने वाले सीन बेटा, वो बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। और वो क्या होते हैं, अगर अपनी बुआ के हालात खराब हो, अपनी बहन को सेहत की दिखते रहे, समझे, और इसके साथ ही पिता अगर बिजनेस कर रहे हैं और उनका कभी भी काम धंधा कोई चल ना पाया हो, समझे, बार बार काम उनको बदलने पड़े हो, तो समझ लीजिए बेटा कि नौकरी के मामले में तो आपकी कुंडली खराब है। इसके बाद में अगर मां को जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफें रहे, मौसियें बेहद परेशान रहे, और मौसियों को भी और मां को भी अपने जीवन साथी से संबंधित और पैसे से संबंधित और मकानों के सुखों से संबंधित दिखते रही हो, और घर के अंदर कलेश के वातावरण रहे हो अपने ही बुजुर्गों के साथ में, तो बेटा समझ लीजिए कि काम धंधे के सुख भी खराब है और वहां से शापित कुंडलियों का एक दौर शुरू होता है। और ये जो दौर शुरू होता है बेटा, ये जब तक आप इसके इलाज करके इसको ठीक नहीं कर लेंगे, ये धीरे धीरे करके आपको डिप्रेशन के मोड में ले जाएगा, और वहां जाने के बाद में इंसान अपने हाथ पांव छोड़ करके कई बार तो नशे की तरफ अग्रसर हो जाता है, और नशे में जाने के बाद
फिर ये लोग कभी भी जिंदगी के अंदर काम धंधा नहीं करते, क्योंकि पहले बहुत कोशिशें की और उसके बाद में कुछ नहीं करते। और इस चीज का बुरापन मिटाना बेहद जरूरी है। इसमें शुरुआत में अगर मकान के अंदर के हम लक्षण देखें तो जिन घरों की चौखट यानी कि एंट्री वाला जो गेट है वो टूटा फूटा रहता है, जंग लग के आधा टूटा हुआ और आधा साबुत रहता है, या घर के अंदर के दरवाजे ये हमेशा ही आवाज करते रहे खुलते और बंद होते हुए, और साथ में ही किचन के अंदर खास तौर पे नालियों का जाम होना, बेटा ये लक्षण होते हैं शातिर कुंडलियों के, जिनके बच्चों को आने वाले समय के अंदर काम धंधे से संबंधित बहुत बड़ी तकलीफें का सामना करना पड़ता है। घर के बुजुर्ग जो कबाड़ को इकट्ठा कर करके रखते हैं कि कभी भी काम आ जाएगा, बाद में नया खरीदना पड़ेगा, वो एक स्पेशल जगह सी बना करके उसके अंदर जो आए वही डाल देते हैं, जो आए वही डाल देते हैं और एक भी चीज बाहर नहीं निकालते, बेटा उनके बच्चों को भी खास तौर पे काम धंधे के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, तकलीफें करनी पड़ती, कामयाब नहीं होते बेटा, वो भी एक तरह की शापित कुंडली बनती है। बेटा ये सिम्टम्स है, कुदरत अपने आप दिमाग के अंदर ये चीजें भर के ये वाले हालात पैदा करवाती है या इन चीजों को खराब करवाती है। इन चीजों से हमेशा डर के रहना चाहिए बेटा। तो गुरुदेव हमको वो लक्षण बताते हैं जिनसे कि आप समझ पाए कि आपकी परेशानी क्या है और उस परेशानी के उपाय क्या हैं। अभी गुरुदेव ने बता दिया है कि आपकी अगर कुंडली शापित है तो क्या लक्षण है, कैसी ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं जिससे पता चले कि आपको परेशानी आने वाली है। गुरुदेव लक्षण के बाद अब बात कर लेते हैं उपाय की, उपाय क्या कर सकते हैं। बेटा अगर पिता के कामकाज से संबंधित दिक्कतें आई हैं और पिता कभी कामयाब नहीं हुए हैं, ठीक है, और ऐसे में आपकी पढ़ाई भी अगर स्थिर नहीं है तो इसका उपाय बचपन में ही करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये योग होता है बृहस्पति का ऋण। और बृहस्पति का ऋण यानी कि हमारे बुजुर्गों में से किसी ने किसी मंदिर का या तो अनादर कर दिया या अपना कुल पुरोहित बदल दिया या किसी पंडित जी का अनादर कर दिया और अपने घर के बुजुर्गों को दुख बहुत दिए होंगे किसी एक पीढ़ी के एक इंसान ने। कुछ रीति रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार के अंदर चले आते हैं, जब उनको भूल करके छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं बेटा तो ऐसे में बृहस्पति की शापित कुंडली बन जाती है। और ऐसे में एक योग पैदा होता है कि घर के अंदर बच्चा एक ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं कर पाता यानी कि न रोला, और ऐसी अवस्था के अंदर फिर नौकरियों के सुख तो वैसे ही खत्म होते हैं और काम धंधे वो नहीं चलते। तो इन लोगों को खास तौर पे जिनके यहाँ पिता ने भी पूरी ग्रेजुएशन ना करी और बार बार काम धंधे करके खराब किए हों, और जो अपने घर के अंदर बाकी के मर्द रहे हैं उनकी भी पढ़ाई लिखाई अगर बहुत उत्तम ना रही हो जो बड़े हैं, तो बेटा ये उपाय करके चलो यहाँ से ये शराब मुक्त होंगे। और वो उपाय है अपने पूरे परिवार से बराबर के पैसे इकट्ठे करके रखो और उनको लेकर के एक पीला कपड़ा इतना लो कि जिससे पंडित जी का कुर्ता और पजामा बन जाए, उसमें 4 किलो चने की दाल रखो और सोने का भले एक छल्ला वगैरह कुछ भी ले लो, वो और एक केसर की डिब्बी, ये लेकर के उन पैसों के सहित किसी बुजुर्ग पंडित अगर हो सके तो बेटा जहां मरने के बाद जाकर के आप गंगा जल में अब फूल विसर्जित करते हैं, हड्डियों को विसर्जन देते हैं, वहां जिनको आप लिखवाते हो जन्म मरण का ब्योरा वो पुरोहित होते हैं, उनको वो चीज दे करके पांव हाथ लगा करके अगर आशीर्वाद मांगा जाए कि प्रभु हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई के मामले बहुत खराब है, कोई भी बच्चा अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाता, आप अपने मुंह से कह के ये आशीर्वाद दे हमें कि हमारे बच्चों की लिखाई पढ़ाई बहुत अच्छी हो और ये जिंदगी में तरक्की करें, ये जाकर के इस तरह से उनको ये दान दे करके ये आशीर्वाद लेके आना, ये वाकई में शापित कुंडली को खत्म कर देता है। और इसके बाद में थोड़ी दिनों के बाद यानी कि साल लग जाएगा लेकिन ये शराब मुक्त होकर के आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ेगा और आगे चल के एक अच्छी नौकरी के ऊपर पहुंचा सकता है। और दूसरा मैंने ये बताया कि छठा और दसवां घर जब खराब होता है उस वक्त में माँ को मौसी को और पिता को इनके बहुत ही ज्यादा जिंदगी के अंदर तकलीफें सहनी पड़ती है, हमेशा अस्थिरता रहती है, घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है, दसियों साल बीत जाते हैं बहुत अच्छे पैसे को देखे हुए, बेटा ये तो बहुत ही खराब हालात बनते हैं और इसको बोलते हैं दसवें घर का अंधा होना। और ये जो कुंडली बनती है बेटा ये काम धंधों के लिए, मकानों के सुख के लिए, अपने पिता की तरफ की रिश्तेदारी, अपनी माता की तरफ की रिश्तेदारी, सब किसी को हिला के रखता है और अपने आप को
एक समय के अंदर तो दर दर का भिखारी बना के रख देता है कि जगह जगह से मदद मांग के भी अपने आप को मदद नहीं मिलती। और जीवन में ऐसे वक्त भी आते हैं, कोई एक तो दो चार दिन ऐसे भी होंगे कि घर के अंदर आटा तक नहीं होता, समझे, और हालात खराब होते हैं। इसको मिटाने का उपाय बेटा करना बेहद जरूरी है, और वो है जितने भी सूत ऊन निवार के गोले आपके घर के अंदर लिपटे हुए रखे हैं, इन सबको खोल के फेंक दीजिए, ठीक है। घर के अंदर स्वेटर जो बुनते हैं इसको टोटली बंद कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को खाना खिलाना हर 6 महीने के बाद बहुत जरूरी हो जाएगा। जब ये खिलाना शुरू करेंगे आप, जब आप 4थी या 5वीं बार आप खिलाएंगे, यानी कि 1.5 साल लग जाएगा, तब जाकर के हालात ठीक होने शुरू होंगे और उसके बाद हालात अच्छे होने शुरू होंगे। इसके साथ में ही अगर आप मजदूर जो पूरा दिन मेहनत करके बोझ को ढोकर के पसीना हुए रहते हैं, इन लोगों को खास तौर पे दूध पिलाना, अगर ये कार्य आप करते हैं तो शनि देव का ये श्राप आपके पास से दूर जाकर के इंसान को जिंदगी के अंदर खूब खुशहाली बख्शने का काम करता है। इसीलिए जिनके घरों में हमेशा इस तरह की दिखते रहेंगे बेटा, वो मजदूरों को दूध जरूर पिलाएं, और 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को खाना खिलाना बेहद जरूरी है। आप देखेंगे थोड़ी दिनों के बाद ही परमात्मा का ये कहर आपके ऊपर से बंद होगा और आप अपने जीवन को खुशहाली की तरफ महसूस करेंगे। गुरुदेव, आज बात हो रही है श्रापित कुंडली की, तो कुंडली का श्रापित होना क्या जन्म से ही तय हो जाता है या हमारे बुरे कर्म उसको श्रापित कर देते हैं? बेटा, हम लोग जब भी पैदा होते हैं उस वक्त जिस ग्रह नक्षत्रों के अंदर हम पैदा हो गए, जो हमारा लग्न डिसाइड हो गया, और लग्न डिसाइड होकर के ग्रह हमारी जन्म कुंडली के अंदर जो से भी जितनी मर्जी डिग्री के ऊपर बैठ गए, अब ये हमारा फिक्स जीवन हो गया। और इसके अंदर अगर लिखा आ गया कि हम राज करेंगे तो हम राज भोग, अगर इसके अंदर लिखा आ गया कि हम बहुत नाम कमाएंगे और सारी दुनिया जानेगी तो बेटा बहुत नाम कमाओगे, और अगर ये लिखा आ गया ना कि कुंडली अंधी है, कामकाज नहीं होगा और कुंडली शापित है, तो बेटा हम अगर इसका उपाय नहीं करेंगे तो जितनी मर्जी कोशिश करें इसको पास से बचना नामुमकिन सा होता है। इसीलिए बेटा इस चीज के मेरे को खास तौर पर उपाय बताने में मैंने कोई कंजूसी नहीं करी, ये उपाय होंगे तो ही ये अच्छा होगा। और ये बात सत्य है बेटा कि इसका मैंने तरीका भी बताया था कि पहले ठीक है, तब डॉक्टर नहीं थे, इतनी एडवांस साइंस नहीं थी, आजकल तो हर दूसरा बच्चा बेटा सिजेरियन होता है, ठीक है। अच्छा यही है कि जब भी डिलीवरी होनी हो किसी की भी, तो वो किसी एक अच्छे पंडित जी के पास जाकर के ये जरूर पूछे कि कौन से दिन का कौन सा अच्छा वक्त है और कौन सी उसकी डिलीवरी का समय उसके आसपास का अच्छा वक्त लेकर के अपने डॉक्टर को बता करके बेटा अगर उस समय के अंदर बच्चा ले ले तो कम से कम जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी मुसीबतों से बचाव किया जा सकता है। ये शापित कुंडली ना आए ये तो अब आप ही के हाथ में है बेटा, आप इसको कर सकते हो। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का हल जानना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। फोन उठाइए और अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए, या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर हमें लिख भेजिए gurumantra@itvnetwork.com पर। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी। गुरु जी से चर्चा हम यूं ही जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं वैभव। बहुत बहुत स्वागत है वैभव जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरु जी, मेरा नाम वैभव सिंह है, मेरा जन्म लखनऊ में हुआ था, मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1994 है और मेरा जन्म का समय 3:12 है। जी वैभव जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मैं गाड़ी लेने के बारे में आपसे एक राय मशवरा करना चाहता हूँ कि मैं गाड़ी लूँ तो मैं कब लूँ, या मैं क्योंकि कब मेरे को सुटेबल हो, किस दिन मैं लूँ गाड़ी लूँ। वैभव, तुम्हारी कुंडली के अंदर तुम्हारे शनि और बुध दोनों ही खराब अवस्था में बैठा, तुम्हारे अंदर उतावलापन देंगे और जो तुमने विद्या ग्रहण की है, जो कुछ सीखा उसके अकॉर्डिंग जो लाभ आना चाहिए उसमें थोड़ी सी ये कमी बना करके रखेंगे, और साथ ही बेटा ये तुम्हें डिप्रेशन की स्थिति भी दे सकते हैं। तुमने पूछा तो गाड़ी का सवाल है,
तो यहां पर हां करने में कुछ नहीं जाता। लेकिन बेटा मैं तुम्हें एक एडवाइस जरूर करूंगा कि अगर हो सके तो पहले जो मैं उपाय दे रहा हूं ये जरूर कर लेना, और अगर हो सके तो बेटा अक्टूबर 2017 तक भूल के भी गाड़ी लेने की कोशिश मत करना, वरना ये तकलीफ के दौर कोई बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी किस्मत ये चाहती है कि इस वक्त में वाहन के साथ तुम्हारी कोई दुर्घटना के हालात पैदा हो और उसके चलते हुए आगे चल करके तुम्हारा स्वभाव टोटली तब्दील हो जाए और तुम दुनिया के साथ मिलने गिलने में घुलने मिलने में परहेज करने लगो। तो बेटा इस चीज से बचाव करना तुम्हें बहुत जरूरी है, और उसके लिए उपाय बेटा इसके लिए 27 दिन लगातार मंदिर के अंदर बेटा आम का पौधा लगाना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। साल में एक बार कांच के मर्तमान के अंदर गुड़ भर करके उसके ऊपर कांच का ही ढक्कन रख के बेटा वीरान जमीन के अंदर दबाना बेहद जरूरी है, और साथ ही हर शनिवार को लोहे के पात्र के अंदर सरसों का तेल भर के उसमें मुंह देख करके आके का जो आंकड़े का पौधा होता है बेटा उसके ऊपर डालना है, और सातवें शनिवार को वही कटोरा तेल डालने के बाद उस आंकड़े के पेड़ की जड़ के अंदर दबा दो। बेटा ये उपाय करना बहुत जरूरी है, अगर ये तुमने नहीं किया तो ये तुम्हारे पास से ही जिद और उतावलापन करवा करके बेटा तुम्हारा ही हाल खराब करेगा और तुम्हारे लाभ को बिगाड़ के रख देगा, और इसीलिए इन उपायों के बाद तुम्हारे लिए सब अच्छे हालात पैदा होंगे। दाता सुखी रखे, खुश रहे। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं, हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और मेल में आप ये जरूर लिखिएगा कि आप हमसे लाइव बात करना चाहते हैं, लाइव कॉलर बनना चाहते हैं। टीवी पर दिख रहे नंबरों पर आप हमें कॉल कीजिए, और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो अभी संपर्क करे वाले नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अस्मित हैं शामली से। जी आप अपना जन्म का समय, जन्म की तारीख और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। गुरु जी मेरा जन्म है 23 अप्रैल 1990 शामली, समय है 3 बजे दोपहर। जी मुझे अपने कैरियर और भविष्य के बारे में पूछना है। बेटा हाँ जी, तुम्हारे को गुस्सा कितना आता है और इरिटेट कितने रहते हो, और तुम्हारे अपने पिता के साथ विचार कितने के मिलते हैं? विचार मिलते हैं जी खूब। और तुम इरिटेट कितने रहते हो? इरिटेट मतलब रहता हूँ, इतना नहीं रहता हूँ गुरुजी। अच्छा तुम्हारे मामा कितने हैं, उनका क्या हाल है? दो मामा हैं, ठीक है अभी तो गुरुजी। अच्छा उनको फाइनेंशियली या गृहस्थी से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है? नहीं अभी तो है नहीं गुरुजी। ठीक है बेटा। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर मंगल छठे घर के बैठे हुए ये नौकरी के लिए या प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन शनि और राहु का मेल एक ऐसा बैठा हुआ है ना, बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई देता है, पिता के साथ विचारों को नहीं मिलने देता, गुस्सा इरिटेशन ये बढ़ाता है, और मकान बनने के बाद खास तौर पर अपने दिमाग को जाम करके भड़काने का काम करता है। ठीक है, और इस योग के अंदर अगर तुम बेटा किसी तरह का कोई प्रोफेशनल काम सुंदरता से संबंधित या कैमरों से संबंधित, जो ये फिल्म जो के कैमरे वगैरह होते हैं, डायरेक्शन से संबंधित या राइटिंग से संबंधित ऐसे किसी कामों में जाते हो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। समझे, दिखावे वाले बिजनेस जिसके अंदर की दुनिया को बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है और कोई इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऐसे किसी भी कामों के अंदर जाते हो तो बेटा तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है। अगर इसे जनरली पढ़ाई करके अगर तुम जनरल किसी नौकरी के लिए कहते हो वो उसके अंदर स्टेबल नहीं होने देता और धंधे के अंदर भी बार बार खराबी के हालात देता है। समझे, और पत्नी और पुत्र के सुखों के लिए कमजोरी देता है। ओके, और खास तौर पे अगर तुम्हें पेट के अंदर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम रहनी शुरू हो गई तब ये प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो ऐसे अवस्था में बेटा सबसे पहले जो तुम्हें उपाय करना चाहिए, 43 दिन 8 साबुत बादाम मंदिर में ले जाकर के रखने चाहिए और प्रणाम करके 4 वापस ला करके घर में लाकर लोहे के डिब्बे के अंदर उसे बंद करते चले जाओ, और जब 43 दिन कंप्लीट हो जाए डिब्बा ये बंद करके ऐसे ही रखना और 1 साल के उपरांत उनको जल प्रवाह कर देना। फिर दूसरा उपाय, तुम्हें हर 6 महीने के बाद में 6 दिन लगातार 6-6 कन्याओं को दूध और मिश्री देना बेहद ज्यादा जरूरी होगा, और जब भी मौका मिले गाजर मूली शलगम पत्तों सहित लेकर के किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे के अंदर देते जाना, तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह से खोलेगा और हर तरह से उसके बाद अच्छा ला देगा। लेकिन जो मैंने काम कहे हैं बेटा अगर इनमें जाओगे तो जिंदगी में सदा सुख पाओगे, अगर जनरल काम धंधे करोगे और थोड़ी देर में बेटा नजर आएगा कि कामयाबी के लिए तुम्हें तरसना पड़ेगा। खुश रहे दादा। आपको बता दें टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है
उस पर आप मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामकृष्ण दीक्षित हैं लखीमपुर से। जी आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। जी मैम नमस्कार। नमस्ते। जन्म तिथि है हमारी 8 अप्रैल 1960 सुबह 5:40 से 45 के बीच। जी जी स्थान बताइए। स्थान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। जी क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं हम वकालत करते हैं तो व्यवसाय की उन्नति के लिए कोई उपाय, और मकान हमारा निजी कब तक बन जाएगा? तुम्हारी कुंडली के अंदर सूर्य देव तो ऐसे बैठे हुए जो अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं कि ठीक है मैं अपनी मेहनत से सब कुछ कर लूंगा और किसी की जरूरत नहीं। लेकिन शनि देव दसवें घर के अंदर बैठे हुए बेशक आप वकालत करते हैं और वाकई में इसके अंदर काफी डेडिकेटेड रहेंगे भी, लेकिन सूर्य खराब होकर देते हैं, लगन में बैठा हुआ सूर्य खराब कर दिया शनिदेव ने, जिसकी वजह से प्रोफेशनली पूरी हाइट पाना, मकानों के सुख जायदाद के सुख पाना इनको ये कमजोर करता है। और यही नहीं बेटा, ये काम के अंदर की सेटिस्फेक्शन को कमजोर करके रखता है, लेकिन भाग्य फिर भी साथ देता चला जाता है क्योंकि भाग्य स्थान के अंदर बैठे हुए बृहस्पति जरूर सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि बुध 12वें स्थान का बैठा हुआ बेटा तुम्हारे लिए बिजनेस की कमजोरी पैदा कर रहा है, इस वजह से भी तरक्की रुक रही है। और इसके लिए उपाय, हर रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करना और या फिर गुड़ और गेहूं लेकर के बंदरों को खिलाना बेटा सबसे उत्तम है। 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल लेकर के उसको तुम जल प्रवाह करो और एक कुत्ता अपने घर में जरूर पालो। अगर घर में आप कुत्ता पालते हो तो बेटा ये तुम्हारी तरक्की के अंदर तो सहायक होगा ही, बच्चों की तरफ से सुख देगा, मकान बनने में भी ये तुम्हारी पूरी मदद करेगा। और हर रोज मीठे दूध के अंदर अंगूठा डुबो करके दिन में 2 या 3 बार कम से कम 2-2 मिनट के लिए जरूर चूसो। अगर ये उपाय करते हो बेटा मकान बनने के योग खुल जाएंगे, परमात्मा की दया से कामकाज की पूरी सेटिस्फेक्शन मिलेगी और बुरे समय सारे टलेंगे। और कभी कभार खाली मटका ढक्कन लगा के जल प्रवाह कर दिया करो, ये हर हफ्ते बुधवार को भी करो तो तुम्हारे लिए बेहद उत्तम हालात पैदा होंगे। दाता सुख दे, खुश रहे। अगर आप अपनी जिंदगी से दुखी हो गए हैं, परेशानियां आपका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो आपको अपने फ्यूचर के बारे में बताएगी गुरु जी की ऐप टेल माई लक। आपको अपने फोन में डाउनलोड करना है, उसके बाद आप अपना फ्यूचर खुद देख सकते हैं। रुक हम बात कर रहे हैं आपकी शापित कुंडली की। गुरुदेव हमारा कर्म ना करना भी क्या कुंडली को बाधित करता है? बिल्कुल ये बात सत्य है बेटा। जन्म कुंडली अकेली कुछ नहीं है और मेहनत अकेली कुछ नहीं है। मेहनत और किस्मत ये भाग्य के दो पहिए हैं बेटा। अगर ये दोनों दुरुस्त है तो जिंदगी के अंदर सब कुछ उत्तम, इनमें से अगर एक भी पंचर है तो जिंदगी के अंदर कभी भी आप तरक्की का मुंह नहीं देख सकते। अब बहुत सारी कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनके भाग्य के अंदर बेटा रुपया पैसा समृद्धि गाड़ियों के सुख मकानों के सुख सब कुछ लिखा होता है, लेकिन बच्चे को आलस की आदत पड़ जाती है, वो किसी न किसी ऐप के अंदर चला जाता है जिसके कारण कि वो अपने काम के ऊपर डेडिकेटली समय नहीं देता। अब अच्छा भाग्य लिखा हुआ उसको कहां तक खींच के लेके जाए, कहते खाली पड़े पड़े खाते हुए तो धन के कुएं भी खाली हो जाते। इसी प्रकार बेटा कर्म है, अगर कर्म नहीं किया किस्मत अच्छी है तो भी जिंदगी बेकार, और अगर कर्म करते रहे और भाग्य ना हुआ तो भी किस्मत बेकार। इसीलिए बेटा खास तौर पे समृद्ध परिवार के जो बच्चे हैं इनको खास तौर पे मेहनत की आदत डालना, सेल्फ स्टैंड बनाना, और इनको शुरुआत से ही एक चीज समझा के चलना कि बिना मेहनत किए अपना डेडिकेटली काम किए उसकी तरफ बिना ध्यान दिए आप जिंदगी के अंदर कभी नहीं बढ़ सकते। ये बेहद जरूरी है क्योंकि कुंडली के अंदर अच्छी समृद्धि के योग हैं, लेकिन आगे कर्म को आगे बढ़ाना। और जन्म कुंडली का तीसरा घर डिसाइड करता है कि इंसान कर्म करेगा या नहीं करेगा, और इसका मैं जनरल उपाय तो नहीं बता सकता। अगर बच्चा आलसी है, कुछ करता नहीं है और आगे बढ़ने की सोचता भी नहीं, तो जन्म कुंडली के अंदर जो भी ग्रह बैठा हुआ हो उसकी वस्तुओं को लेकर के दान करना शुरू कर दो बेटा, उसके बाद में बच्चा कर्म करना शुरू हो करेगा और भाग्य अच्छा जरूर बढ़ेगा। आज हम गुरु जी से बात कर रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली भी शापित है तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए और ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे आप पहचान सके कि आपकी कुंडली शापित है। गुरुदेव ऐसा कौन सा सबसे
खराब योग होता है जो आपकी कुंडली के लिए, शापित कुंडली के लिए और आपके जीवन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है, इससे बहुत लोगों का भला होगा। इसमें सबसे ज्यादा खराब योग होता है बेटा चंद्र और मंगल का। चंद्र और मंगल ये जिसके खराब हो जाए बेटा, उन लोगों को रियलिटी में पैसा कहीं से नहीं मिलता, कामकाज कोई नहीं चलती, पिता अलग बेचारे दुखी हैं काम धंधे के मामले में, माता अलग दुखी है, माता पिता आपस में मिल भी नहीं पाते, समझ गए, और दोनों काम धंधे के चक्कर में भागते रहते हैं, जरूरतें घर की फिर भी पूरी नहीं होती। ये बहुत ही गंदा योग। और इसके सिम्टम्स बताता हूँ बेटा, इसके सिम्टम्स है, अगर पिता और पिता के घर वाले वो अपने तुम्हारे पिता का अगर साथ नहीं देते और पिता अलग अकेले में अपनी जीवन के लिए जद्दोजहद करते हैं, उधर से माता का खानदान बच्चे की पहले 12-14 साल की उम्र तक बहुत ज्यादा गरीबी के गर्क में चला जाता है और बच्चे के मामे अगर बिगड़ जाएं या उनकी गृहस्थियां खराब हो जाएं और उनको भी काम धंधे से संबंधित दिखते आए और मामा बल्कि इस चीज के लिए मजबूर हो जाए कि अपनी ही बहन के घर में आकर के रहे अपने काम धंधे के लिए और बहन का भी अपना हाल खराब हो, ये सबसे गंदा योग है बेटा जन्म कुंडली का, जिसे बोलते हैं चंद्र और मंगल का खराब होना, और ये गरीबी देता है और बेइंतहा देता है बेटा। इसको ठीक करना बेहद जरूरी है। अगर आपके ये सिम्टम आपके साथ मिलते हैं तो बेटा आपको कहीं कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं, जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ आंख बंद करके ये उपाय कर दीजिए बेटा, इसके बारे में ये जिंदगी के अंदर कभी भी आपको दुखी नहीं करेगा। और वो उपाय है बेटा, एक स्टील की कटोरी लो बेटा, स्टील की कटोरी के अंदर अनार के छिलके, अनार का छिलका लेकर के उसके अंदर अनार का कोई दाना नहीं जाना चाहिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के 84 टुकड़े बना लीजिए और वो लेकर के बेटा रात्रि को स्टील की कटोरी में डाल के दूध से भर के अपने सिराने रख के सो जाओ और सुबह उठ करके मंदिर में जाओ। ये 43 दिन लगातार करना और हर सोमवार को बेटा लाल मसूर साबुत चाहे थोड़े से 50 ग्राम भले ले लो बेटा, और देसी खांड, थोड़ा सा दूध और थोड़े से चावल, ये चारों चीज मिलाकर के सोमवार के सोमवार दान देना शुरू कर दो गरीबों को। बेटा आप ये करके देखो, पिता भी सेट हो जाएंगे, माता को भी अच्छी खुशहाली मिलेगी, घर भी मिल जाएगा, मकान भी बनेगा और ननिहाल के भी हालात अच्छे होंगे। आप इस उपाय को करके देखो, ये गरीबी का योग है बेटा, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है और परमात्मा ने ये हम पर कृपा करी कि इसके उपाय बहुत आसान बनाए। एक बार इन उपायों को करो और इस गरीबी को घर से भगाओ और सदा सुखी बसो, खुश रहो। तो गुरुदेव आप हमको बता रहे थे कि कुंडली में जन्म से ही लिखा होता है कि आपकी कुंडली शापित है नहीं है, बच्चे के जन्म से पहले ही कोई ऐसे उपाय हम कर सकते हैं जिससे कि बच्चे की जन्म की कुंडली जो है वो शापित ही ना हो? नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बताया कि जन्म से पहले का उपाय कोई भी करना संभव नहीं होता क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आगे होना क्या है। हाँ, अपनी कुंडली दिखा करके हम ये जरूर जान सकते हैं कि बच्चों का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप उस बात को भी छोड़ दीजिए। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ बेटा कि आप किसी योग्य आचार्य को, ज्योतिष आचार्य को ढूंढिए, उन डिलीवरी से पहले, डिलीवरी की जैसे ही डेट पास आती है आप उनको वो डेट बताएं और उनको ये कहें कि हमें वो जन्म कुंडली ढूंढते दीजिए कि जिसके अंदर घर के अंदर समृद्धि रहे, हमारा बच्चा तरक्की करे और उसको माँ बाप का अच्छा सुख मिले। तो बेटा ये योग पूरे 24 घंटे के गोचर के अंदर बेटा कोई ना कोई लगन तो ये दे ही रहा होता है। आपको सिर्फ वो समय लेकर के अपने डॉक्टर को देना है और ये कहना है कि अगर संभव हो सके इस समय के अंदर हमें बच्चा दे दीजिए, और आजकल के डॉक्टर बहुत काबिल है बेटा, आप जो कहेंगे वो बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये करके देखिए, आपके यहाँ एक समृद्धि देने वाला बच्चा आएगा, अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा आएगा और आपका जीवन स्तर और अच्छा बदल देने वाला नसीब लेकर के आएगा बेटा, यही आपकी खुशहाली का रास्ता बनेगा। तो जी आज हमको बता रहे हैं कि शापित कुंडली क्या होती है और उसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरह की परेशानियां आपको झेलनी पड़ती है अगर आपकी कुंडली शापित है, और आप उपाय क्या कर सकते हैं। गुरु जी अब बात कर लेते हैं सावधानियों की, अगर किसी की कुंडली शापित है तो उसको किन चीजों से बचना चाहिए, सावधानी क्या बरतनी चाहिए? बेटा जब भी कभी शापित कुंडली बनती है वो सिर्फ एक ही रीजन के कारण बनती है और वो है कि इतना ज्यादा स्वार्थ बढ़ जाना कि किसी को दुख देकर के उसकी आह ले लेना, उसकी बद दुआएं ले लेना,
समझे। और दूसरा अमानत में खयानत, यानी कि किसी ने आपको अपना समझ के आपको कोई अमानत दी और आप बेईमान हो गए। अगर बेटा इनमें से कोई भी चीज अगर आप करते हो तो आप अपना जीवन काल तो ठीक ठाक ढंग से निकाल लेते हो, जैसा भी आपकी कुंडली के अनुसार होगा, लेकिन आपके बाद आपकी पीढ़ी के अंदर आने वाले जो नए बच्चे हैं बेटा, उनकी कुंडली के अंदर ये दोष जरूर पाया जाता है। और ये जब पितृ दोष बनकर के उनकी कुंडली के अंदर आता है तो आपकी आगे की आने वाली जितनी नस्लें हैं बेटा, उनके नाम खत्म हो जाते हैं, उनके काम खत्म हो जाते हैं, हर तरह के जीवन के अंदर दुख भोगने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और जगह जगह हाथ पसारना एक तरह का उनको झेलना पड़ता है। इसीलिए अगर आप अपने कुल का, अपनी पीढ़ी का, अपने खानदान का अच्छा चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी समृद्धि करे और आपके कुल का नाम रोशन हो, तो बेटा अपने कम से कम ये असूल जरूर बना करके चले कि कभी भी अमानत में खयानत ना करें और अपने लालच को इतना ज्यादा बढ़ा करके किसी को दुख ना दे कि कोई आपको बहुत बड़ी बददुआ दे दे। और ये सच बात है बेटा, बददुआ दी हुई जरूर लगती है, उसको लगने में देर जरूर लग जाती है, लेकिन बेटा लगती जरूर है। तो इसीलिए बेटा इस चीज का खास ध्यान रखो, आपके कुल में ये बुरे योग बनने बंद हो जाएंगे। और जिनके साथ है बेटा, उनके बुजुर्ग वो कर गए लेकिन वो भोग रहे हैं और उनको पता भी नहीं है, ये सिर्फ एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही जान सकता है। तो इसलिए बेटा इस बुरी चीज से दूर रहो, आपका कुल सदा ही राज करेगा। गुरुजी, श्रापित कुंडली के लक्षण उपाय आपने सब बता दिए हैं। एक सवाल ये बनता है कि घर में इतने सारे सदस्य हैं, किसी एक की कुंडली श्रापित है तो क्या उसका असर पूरे परिवार पर पड़ेगा, पूरे परिवार को परेशानियां झेलनी पड़ेंगी? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहते हैं ना कि हर कोई अपना अपना नसीब लेकर के पैदा होता है, समझे। अब ऐसी अवस्था के अंदर अब घर में चार भाई हैं और किसी एक की कुंडली श्रापित निकल आई, समझे, तो बेटा ऐसी अवस्था के अंदर उस बच्चे को ही ये सारे दुख झेलने को मिलेंगे, या उस बच्चे के ऊपर जो भी कोई डिपेंडेंट हो जाएगा, जैसे उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके अगर माँ बाप भी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए और दूसरों के पास साथ में ना रहे, तो बेटा ये सारे के सारे दुख उन्हीं की झोली के होंगे और उस बच्चे को स्वयं को ये तकलीफों का सामना पूरी जिंदगी ये करना पड़ेगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि बाकी का परिवार, हाँ अपना निजी जो परिवार है वो जरूर इन दुखों को भोगता है। आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। और अब वक्त हो गया है लाइव दर्शक से बात करने का। हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं हरीश रिजवानी जी। बहुत बहुत स्वागत है हरीश जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरु जी, मेरा नाम हरीश रिजवानी है, जन्म है 20 जून 1968, समय है 4:30 बजे। हरीश जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मेरी बेटी का नाम मोनिका रिजवानी है, उसकी शादी 2 दिन पहले 16 अप्रैल को हुई है, वो अपने घर परिवार में खुश रहेगी। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बच्चों के स्थान पर बैठे हुए शनि और राहु, ये अपने जीवन के अंदर भी कभी सुख चैन की सांस नहीं लेने देते और अपने बच्चों की भी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई भुचाल ला करके रखते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ा डर क्या होता है, इसके अंदर सबसे बड़ा डर होता है बेटा कि अपने घर की छत के ऊपर अगर कुछ बनाया जाए और किचन को तोड़ फोड़ करके कुछ ना कुछ रिपेयर किया जाए, या किचन के साथ ही दीवार के अंदर टॉयलेट बाथरूम बना दिया जाए, तो बच्चों की जिंदगी के अंदर भूचाल आता है, उनकी मैरिड लाइफ नहीं तो खराब हो जाती है, अगर मैरिड लाइफ नहीं खराब होगी तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा और जिंदगी के अंदर उनको अपना करियर बनाने में बहुत दिक्कत आती है। इस तरह के योग बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं, इसका इलाज करना ही तुम्हारे बच्चों को सुखी रखेगा। दूसरी बात एक और बेटा, कि तुम्हारे अपने भी कर्म स्थान के ऊपर बैठे हुए बृहस्पति थे, ठीक है ज्योतिष में रुचि भी देते हैं, ज्योतिष का कई बार काम भी करवाते हैं, लेकिन बेटा काम की सेटिस्फेक्शन ये पूरी जिंदगी नहीं देते और अपनी जिंदगी के अंदर पिता के घर की पूर्तियां करते हुए इंसान फिर भी अधूरे का अधूरा रहता है। इसके उपाय करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है बेटा।
और वो उपाय है 43 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला और थोड़े से साबुत बादाम लेकर के मंदिर के अंदर दो बेटा, और हर साल 11 दिन लगातार 11-11 मूली पत्तों सहित अपने सराहने रखो और सुबह उठ करके मंदिर के अंदर दो। और तुम्हें एक उपाय मैं और जरूर कहूंगा जो तुम्हें हर सूरत में करना चाहिए, क्योंकि ये इसका संबंध है तुम्हारे घर के अंदर कलेश और बीमारी के साथ में। और जिस घर में कलेश और बीमारी रहे बेटा, वहां पर समृद्धियों की कमी हमेशा रहती है और कोई ना कोई तकलीफें बनी रहती हैं। और वो उपाय है हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को डालना बेहद ज्यादा जरूरी है। और ये 8 गुड़ की रोटी गुड़ की चाशनी के अंदर आटा गूंध के उसके सिर्फ 8 ही पेड़े बनाने हैं और वही तंदूर में लगवाने हैं। और इस चीज का खास ख्याल रखे, ये स्वयं नहीं खाने, दाता सुख दे खुश है देना। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप हमें मेल कीजिए और मेल में लिखिए कि आप हमसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबरों पर आप कॉल कीजिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप कुमार रस्तोगी हैं गाजियाबाद से। जी आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। जी मेरा नाम संदीप कुमार रस्तोगी है और मेरी जन्म तिथि है 10 जनवरी 1979। जी और जो जन्म का स्थान है वो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी है और टाइम जो है सुबह 9:55 है। क्या जानना चाहते हैं? मैम जानना मैं ये चाहता हूँ सर से, क्योंकि 2013 से नवंबर 2013 से मेरा जॉब में कुछ प्रॉब्लम का कारण मैंने छूट गया था और उसके बाद मेरा फाइनेंशियल इतना लॉस हो गया और इतना है आज तक जॉब नहीं मुझे मिल पाया जो मैं चाहता था जी। और अभी तक जॉब लैस ही हूँ और ट्राई कर रहा हूँ लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं बिजनेस करूँ या जॉब के लिए कहीं भी अप्लाई करता हूँ तो वहाँ से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट ही नहीं मिलता है कभी। अच्छा बेटा एक बार बताओ, जब तुमने जॉब छोड़ा उससे पहले घर में क्या रिपेयरिंग करी तुमने? घर सर मेरा अपना नहीं था, हम रेंट पे ही रहते थे। और वो रिपेयर हुआ था सर? अगर हमारे आने से पहले क्योंकि हुआ हो तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारे आने के बाद हमने उसमें रिपेयर ही नहीं करवा पाया क्योंकि हमारे पास कंडीशन नहीं थी, ठीक है, पेमेंट नहीं था। अब दूसरी बात बताओ तुम्हारी पत्नी का क्या हाल है? सर मेरी पत्नी ही घर चला रही है सर, इज वर्किंग और वो एक एमएनसी कंपनी में वर्क कर रही है बीपीओ में। और वो ही ठीक है बेटा। तुम क्या बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले इंसान हो? सर ऐसा तो नहीं है, मैं ऐसा नास्तिक भी नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ मैं मॉर्निंग और इवनिंग में पूजा करता हूँ डेली, और ऐसा किसी पर्टिकुलर भगवान को नहीं करता हूँ, सभी भगवान का मंदिर है हमारे पास तो भगवान की सारे भगवान की पूजा करता हूँ। और तीसरा, क्या तुम शराब पीते हो बेटा? नहीं सर। हाँ ठीक है बेटा। बेटा आज तुम्हें एक सुन के बड़ा अचरज सा होगा कि तुम्हारी कुंडली के अंदर शनि देव एक तरह के भगवान के रूप में बैठे हुए तुम्हें सब कुछ दे रहे हैं, और सातवें स्थान का ये शनि इसके अंदर बीवी कमा करके खिलाती है, और इसके अंदर इंसान जितना ज्यादा आध्यात्मिक हो, जितना ज्यादा पूजा पाठ करने वाला इंसान हो, उसको काम धंधे से संबंधित उतनी ही तकलीफें आती हैं। और इस पर अगर तुमने उड़द साबुत काले चने सरसों का तेल काला कपड़ा लोहा बेटा ये दान दे दिया तो सारी जिंदगी के लिए कामकाज पूरी तरह से अस्थिरता पे चला जाता है, स्किन की दिक्कतें आ जाती हैं और जिंदगी के अंदर इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, पत्नी के ऊपर डिपेंडेंट रहने के लिए मजबूर हो जाता है, ठीक है। फिर ये सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद में ये पत्नी का भी गुस्सा बढ़ा करके रखेगा और किचकिच के माहौल को घर में खोल ही रखेगा, ठीक है। इसीलिए बेटा यहां पर तुम्हें शनि देव को अपने ही घर में स्थापित करना पड़ेगा, अगर तुम ये स्थापित नहीं करोगे तो बेटा तुम्हारे लिए काम धंधे की दिक्कतें बनी रहेगी। इसके लिए तुम्हें करना क्या है, कांच की हरे रंग की जो बोतलें होती है उनके अंदर जो शराब होती है बेटा वो ला करके तुम्हें अपने घर में रखनी है, और खास तौर पे अपने बेडरूम के अंदर उसको अगर तुम रखते हो बेटा, इसको शनि की स्थापना बोलते हैं। अब ये बोतलें लाने के बाद में बेटा इनको ना खोलना है ना पीना है, ये जितनी ज्यादा पुरानी होती चली जाएंगी शनि की स्थापना उतनी बढ़ती चली जाएगी और हमेशा तुम्हें सुख देने वाली बनेगी। पहला उपाय तो ये करना है। दूसरा, तुम्हें आज के बाद भूल के भी उड़द साबुत काले चने सरसों का तेल काला कपड़ा लोहा दान नहीं देना बिल्कुल भी, और 43 दिन चांदी का चकोर टुकड़ा लेकर के बेटा नीम के पेड़ की जड़ के अंदर दबाना है, और साल में एक बार 7 नारियल पूजा वाले लेकर के जल प्रवाह करने हैं।
मात्र बेटा इतना सा उपाय करके देखो, इसी के अंदर काम धंधे के सारे हालात खुल जाएंगे। शनि देव की पूजा करना यानी कि उनके मंत्र का उच्चारण करना, हाथ पांव धोकर के रात्रि के वक्त में अपने बिस्तर पे बैठ करके तुम्हारे लिए अमृत समान होगा। और हर सोमवार को दूध चावल मंदिर के अंदर देते रहो और जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते रहो। बस इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। खुश रहो दादा। और अब बारी आती है गुरुजी से गुरु मंत्र जानने की। गुरुजी आज शापित कुंडली की बात हो रही है। वैसे तो आपने बहुत अच्छे उपाय और लक्षण हमारे दर्शकों को बता दिए हैं, उम्मीद करते हैं दर्शकों ने नोट भी कर लिए होंगे। गुरु मंत्र आप क्या देना चाहते हैं? बेटा आज का जो गुरु मंत्र है वो समृद्धि को लेकर के ही होगा, क्योंकि अगर ये काम धंधे की बात हो रही है तो काम धंधे का चलना ही सबसे उत्तम हालात के जिंदगी देता है। तो इसके लिए बेटा जो भी लोग बिजनेस करते हैं और बार बार उनके बिजनेस खराब हो जाते हैं, कभी भी जिंदगी के अंदर कामयाबी का स्तर नहीं उनको देखने को मिला और कामयाब होने से पहले गिर जाते हैं, उन लोगों को 43 दिन लगातार दो दुकानों से बराबर के आम लेकर के गरीबों के अंदर बांट देने चाहिए। ये उनको हर साल करना चाहिए। और जो लोग हमेशा नौकरी पे रहते हैं, बार बार कुछ महीनों के अंदर ही उनकी नौकरियां तब्दील हो जाती हैं और बार बार वो अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका बॉस उनको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो बेटा ऐसी अवस्था के अंदर उनको हफ्ते का दो दिन का उपाय जरूर करना चाहिए। और वो उपाय क्या है? उसके अंदर बेटा गुड़, गेहूं, चने की दाल ये लेकर के रविवार को या बृहस्पतिवार को मंदिर के अंदर जरूर देनी चाहिए। और शनिवार के दिन बेटा उनको उड़द साबुत थोड़ी सी लेकर के उसके ऊपर सरसों का तेल लगा करके बेटा उनको दान जरूर देनी चाहिए। अगर ये दोनों में से दो उपाय आप करते रहते हैं तो नौकरी वाले इधर से सुखी रहेंगे। और बिजनेस के लिए बेटा अगर बिजनेस नहीं चलता, बार बार खराब होता है, तो आम का दान भी शनि और बुध का दोनों का मिक्सर है और शनि और बुध मिलकर के ही इतना मीठा बनाते हैं बेटा, इसका दान देना इस जन्म कुंडली के अंदर शनि और बुध को ठीक करके आपके बिजनेस को अच्छा फलदायी बनाएगा। तो अगर आपकी कुंडली भी शापित है या फिर गुरुदेव के बताए लक्षण आपसे मिलते जुलते हैं तो गुरुदेव के बताए उपाय आप जरूर करें, आपकी शापित कुंडली के जो दोष हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे और खुशी बख्शे दादा। अगर आप भी अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। आप गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड करिए, उसके बाद आप अपना भविष्य खुद देख सकते हैं, साथ ही आप उसके उपाय भी जान सकते हैं। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो आप गुरुदेव के नंबर पर कॉल करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। और अब आपको कल का विषय बता देते हैं। क्या आपकी गाड़ी बीच रास्ते में धोखा दे जाती है? आए दिन आपका एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ी पार्क करने में परेशानी आ रही है, आपकी गाड़ी आपको कैसे शुभ फल देगी? इसके लिए हमारा कल का गुरु मंत्र शो देखना मत भूलिएगा। गुरुदेव आपकी गाड़ी से जुड़े गंभीर समस्या का समाधान बताएंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।